दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट में कुछ दिनों से भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। खास तौर से इसमें शामिल भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति में। अडानी को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से जहां अडानी अमीरों की लिस्ट में चौथे पायदान पर काबिज नहीं रह पाए, तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अंबानी भी काफी नीचे पहुंच गए थे। अब एक बार फिर मुकेश अंबानी ने लंबी छलांग लगाई है और टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एंट्री कर ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के नेटवर्थ में पिछले 24 घंटे में 1.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस तेजी के साथ मुकेश अंबानी की संपत्ति खबर लिखे जाने तक 83.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अंबानी के नेटवर्थ में तेजी आई और वो फोर्ब्स के अरबपतियों की लिस्ट में 10वें नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने दो पायदान की छलांग लगाई। अंबानी 12वें से 10वें नंबर पर पहुंच गए। 83.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी इकलौते भारतीय हैं जो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 में बने हुए हैं। इससे पहले गौतम अडानी भी इस लिस्ट में थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उनकी संपत्ति घटकर आधी हो गई है और इस रैंकिंग लिस्ट में वो पिछड़कर 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वह हिंडनबर्ग के भंवर में फंसे अरबपति गौतम अडानी की बात करें तो बीते दो दिनों से उनके शेयरों ने रफ्तार पकड़ी है और जोरदार कमबैक करते हुए अरबपतियों की सूची में फिलहाल 60.6 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ 17वें नंबर पर आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।